हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंटेज वीडियो वे आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक स्वीट्स एंड फ्रूड डे सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट आउट नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं बट वो हमें हार्म नहीं करते हैं हाउ एवर इफ यू डू नॉट क्लीन अर तीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगन टू लेव एंड ग्रो इन इट अगर हम खाने के बाद अपने तीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे तीत को हार्म करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये दे विल बिगिन टू लिव और ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट में कुछ भी अच्छा नहीं होता है दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो शुगर प्रेजेंट होता है बचे हुए खाने में उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड रिलीज एसिड्स और उससे एसिड्स रिलीज करेंगे द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ और ये एसिड्स जो होते हैं ये ग्रेजुअली टीथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं दिस इज़ कॉल्ड टुथ टिके और इसी प्रोसेस को वी कॉल इट टुथ टिके टुथ का ख़राब होना इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम अगर ये सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाएगा इट कॉजेज सीवियर टुथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेज रिजल्ट इन टुथ लॉस और कुछ एक्सट्रीम केसेज में क्या होता है कि ये टुथ लॉस का कारण बन जाता है मतलब इंसान अपना तीत खो देता है क्योंकि वो तीत इतना डैमेज हो चुका होता है कि उसको फिर से ऑपरेट नहीं किया जा सकता चॉकलेट स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रेट्स ऑफ ट्रुथिक सो सबसे ज़्यादा हमारा तीत किससे खराब होता है इस चॉकलेट्स स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स जिसमें शुगर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है देयरफॉर वी शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश

एटलीस्ट टाइस अ डे एंड रेन्स द माउथ आफ्टर एवरी मील दो बार ज़रूर ब्रश करना चाहिए एंड हर मील के बाद हम हमें अपने मुँह को धुल लेना चाहिए ऑल्सो वन शड नॉट पॉट डर्टी फिंगर्स और एनी अन वॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ और अदर देन ऑल दीज प्रिकॉशंस हमें अपने मुँह में डटी फिंगर्स नहीं डालने चाहिए या फिर कोई अन वॉश चीज़ अपने मुँह में नहीं डालनी चाहिए समटाइम्स वेन यू ईट एंड हरी टॉक और लाफ वाई लीडिंग यू मे कफ जब हम बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं या बात करते हैं हंस रहे होते हैं खाते हुए सो so, हम कफ करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हमें हिकअप्स आने लगते हैं या एक चोकिंग सेंसेशन जो होता है ना कि गले में कुछ फंस रहा है दिस हैपन्स वेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वेंट पाइप ये कब होता है जब फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे वेंट पाइप में एंटर कर जाते हैं द वड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नोस्ट्रेल्स टू द लंग्स ये जो विंड पाइप होता है इसका काम ये होता है कि एयर को कैरी करता है नोस्टल से लंग्स तक इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप ये फूड पाइप के एकदम एडजेसेंट उसके बगल में रन करता है बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज बट गले के अंदर ये जो एयर है और ये फूड है ये दोनों कॉमन पैसेज शेयर करते हैं मतलब ये दोनों सेम रूट से पास करते हैं दे देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप तो कैसे क्वेश्चन आता है कि कैसे जो ये फूड है ये प्रिवेंट होता है विंड पाइप में एंटर करने से क्योंकि हर बार तो हमारे संग ऐसा नहीं होता है ना कि हम खाते समय हमें हेकअप्स आ रहा है कफ आ रहा है या चोकिंग सेंसेशन हो रहा है ये तो कभी कभी होता है सो so, कैसे ये चीज़ प्रिवेंट होता है देखते हैं ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइिंग अ फ्लैप लाइक वेल क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड ग्लाइड्स द फूड एंड फूड पाइप जब हम कुछ खाते हैं या सोलो करते हैं तो उस समय जो विंड पाइप का पासेज है वो बंद हो जाता है और वो फूड पाइप में चला जाता है इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक गेट हेकअप्स और कफ तो जो नॉर्मल प्रोसेस यही होता है कि विंड पाइप बंद हो जाता है और फूड पाइप से खाना चला जाता है बट किसी किसी रेयर केसेस में बाई चांस जब हमें का खाना स्टार्ट होता है या चोक फील होता है या हिकअप्स आते हैं तब ये होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो बेंड पाइप में एंटर कर जाता है तो आई एम श्योर अब आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि ऐसा हमारे संग क्यों होता है जब हम खाते हैं अगला टॉपिक वील विल स्टडी इन आर नेक्स्ट वीडियो स्टे स्टेट टू आर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच